फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है। चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी आगे मुझे कंटिन्यू करना है, बिकॉज यहाँ पर अब हमें आगे नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 1 से लेकर के हमें आगे कंटिन्यू करना है। और यहाँ पर आपको जो भी चैप्टर हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं या बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको एंड तक जरूर वॉच करें। और किसी भी स्टूडेंट्स के माइंड में अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज रह जाता है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके सारे वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं, और एंड तक जरूर वॉच करें ताकि कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे। अब हमें आगे कंटिन्यू करना है, और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी अपडेशन हो तो आपको उसका लिंक मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर गिवेन है, और हमें उसे पहले जानना है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता है, बीजगुणनखंड विधि क्या होती है, इसके बारे में जानना है। तो ये भी एक रैखिक समीकरण में ही अप्लाई होते हैं, और रैखिक समीकरण हमने आपको पहले से ही डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ हम इक्वेशन नोट कर लेते हैं। मानते हैं a1x + b1y + c1 = 0। ये आपकी एक इक्वेशन है जनरल फॉर्म में। और दूसरी जो इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के माध्यम से हमें कैसे इसे सॉल्व करना है, ये जानना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट करते हैं x अपान। अब x की वैल्यू हमें निकालना है, अगर तो हमें इस वाले टर्म को, x वाले टर्म को हमें क्या करना है, इसे छोड़ देना है। और y और ये जो कांस्टेंट टर्म आपके दिए हुए हैं, इनको आपको इनका कोफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ पर b1 है और ये b2 है। तो देख सकते हैं कि x वाले टर्म को छोड़ करके हमें b1 और मैंने b2 लिख दिया, और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन माइनस इसमें साइन आगे लगाना पड़ेगा। अभी आपको करके दिखाते हैं। c1 upon c2 = y upon, अब हमें y की वैल्यू लिखना है, तो y को छोड़कर बाकी हमें वैल्यू लिख लेना है। तो यहाँ पर लिखते हैं c1 c2, और होगा आपका a1 a2, फिर कांस्टेंट टर्म 1 upon a1 a2 b1 b2। अब इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कैसे करना है, देखिए x upon b1 c2, अब हमने इसका मल्टीप्लाई करा b1 में c2 के साथ में। अब क्या करना है, जो मैंने माइनस बताया था, तो यहाँ माइनस लगाना होगा और b2 c1 लिखना है, क्योंकि b2 c1 क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन है। = y upon, इसी तरह से सिमिलरली इसे भी करना है, c1 a2 - a1 c2 = 1 upon, कितना आ जाएगा आपका, a1 b2 - b1 a2। अब इन्हीं से हमें x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्योंकि ये वाला टर्म और इस वाले लास्ट वाले टर्म को अगर हम इक्वल करते हैं, तो x की वैल्यू कितना निकल के आता है, b1 c2 - b2 c1 upon a1 b2 - b1 a2। और इसी तरह से हमें y की वैल्यू निकालना है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, c1 a2 - a1 c2 upon a1 b2 - b1 a2। इस तरह से आपकी x और y की वैल्यू होगी, और यही आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, लीनियर इक्वेशन। और हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो पहला इक्वेशन आपका गिवन है, उसे हम यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपकी 3x + y - 30 = 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। और इसी तरह से आपकी सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 2x + 5y - 33 = 0, सेकेंड इक्वेशन।
अब इसमें हमें क्या करना है कि यक्स को, अगर हमें यक्स की वैल्यू निकालना है तो यक्स वाले टर्म को यहाँ ऐड कर लेना है और वाई का कोफिशियंट और जो हमारे अचर पद हैं उसे लिख लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 1 और 5 मैंने राइट डाउन कर लिया, और इसी तरह से -30 -33, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे। सिमिलरली इसे वाई का भी नोट कर लेते हैं, वाई की वैल्यू में हमें -30 -33 और 3 2 हमने नोट कर लिया, इसको भी हमें ऐसे ही करना है। और 1 अपान इसमें क्या करना होगा, 3 2 1 5, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसका इसके साथ। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, x/(1)-33, फिर माइनस लगाएंगे, 5(-30)y/(-30)(2) -30)(2), फिर इसी तरह से क्या करना होगा, फिर माइनस लगाएंगे और 3(-33)(1)/(5)(3)-2)(1), और सॉल्व करते हैं तो ये एक्स अपान कितना आएगा, -33, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 150 y/-60 -+ हो जाएगा, यहाँ पर 99 हो जाएगा, 1/(15)-2। अब आगे सॉल्व करते हैं कितना आता है आपका, x/, ये कितनी वैल्यू देगा, 117 = y/, ये प्लस की वैल्यू ये भी देगा, 39 आएगा आपका, y/(39)=1/13। अब हमें इन तीनों रेशियो से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेना है, तो 117 हमें इक्वल कर देना है 1/13 के पहले, तो कितना वैल्यू आ जाएगा एक्स का, 117/13, यानी कि 9 वैल्यू आ गई, एक्स इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया। और इसी तरह से हमें वाई की वैल्यू निकालना है, तो y/(39)=1/13, y इक्वल टू आपका आएगा 39/13 = कितना हो जाएगा, 3, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 3। x और y की वैल्यू हमने किस मेथड से निकाला है, भज्य गुणनखंड मेथड से, x = 9 और y = 3, यही आपके आंसर होंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 5x+7y -31=0। अगली क्वेश्चन है 7x-9y+13=0, इसको भी ऐसे ही हमें करना है, 7-9 -31 और 13, इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करना है सेम जैसे मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन को, पहले वाले पार्ट को सॉर्ट आउट किया है। वाई की वैल्यू यहाँ पर निकालना है, तो -31 और 13 5 7 1/5 हो गया, 7 हो गया, फिर 7 हो गया, -9। अब इनको भी हमें क्या करना है, डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा x/5, देखिए 13 7 जा 91 होता है, और यहाँ पर ये 9 है आपका, और 9 × हम इसमें 31 में करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हम ऑलरेडी से माइनस लगाते हैं तो माइनस आ जाएगा, 9 1 जा 9 279 आपका यहाँ पर आ गया, y/, इसमें कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7 7 3 जा 21, -217 यहाँ भी आएगा, 65 माइनस का, -45 -49। मल्टीप्लाई करना था 9 × 31, तो यहाँ पर आएगा -279, 9
9 9 3 27 होता है, यहाँ बाय मिस्टेक 179 लिखा हुआ था। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ कितनी वैल्यू आएगी, एक्स अपान इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का 188 आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। इज इक्वल्स टू वाई अपान, इसको दोनों को ऐड करना होगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 282 आएगा। इज इक्वल्स टू 1 अपान, इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का 94 आएगा। अब x और y की वैल्यू हमें निकालना है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 188 अपान माइनस का 94, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 2 आ जाएगी। और y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, y की वैल्यू माइनस 282 अपान माइनस 94, माइनस माइनस इसमें भी कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू जो आएगी आपकी 3 आ जाएगी क्योंकि ये 3 से कट जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी जो निकल के आई है 2 आया है और y की वैल्यू आपकी आई है 3, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें 2x प्लस 3 y, 2x प्लस 3y माइनस 46। इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल्स टू यहाँ पर 0 है। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन सेकेंड, इसमें भी हमें यही काम करना है, x अपान कितना आएगा यहाँ पर 3 और 5 माइनस 46 माइनस 74 y अपान माइनस 46 माइनस 74 मल्टीप्लाई करना है हमें 2 3, फिर 1 अपान इसमें भी क्या करना होगा 2 3 और 3 5, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो x अपान 3 का मल्टीप्लाई 74 में करेंगे कितना आएगा, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21 और यहाँ पर आ जाएगा 22, माइनस का आएगा आपकी वैल्यू 2 2 2, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा कितना आएगा 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 20 में से 3 ऐड करेंगे 2 30 आ जाएगा। इज इक्वल्स टू y अपान, सिमिलरली इसमें भी हमें क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है, माइनस की वैल्यू आएगी 18 और यहाँ पर 14 माइनस का 148, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 14, माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 1 अपान 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा, देखिए x अपान इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका 8 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू y अपान 10 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 अपान 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 10। इनको सॉल्व करने के बाद में x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 10 आ गई, यही आपके यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। अगली क्वेश्चन आपकी क्या गिवेन है, अगली क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, 2x माइनस वाई ये इक्वल टू 6 है तो इसको हम इधर ले आते हैं तो माइनस का 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। इसमें भी हमें क्या करना है, x बजगुणन फंड से हमें इसे भी सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 और x का वैल्यू निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 2, इनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू निकालना है माइनस 6 माइनस 2 2 और 1,
फिर 1 अपान 2 1 माइनस 1 माइनस 1, दोनों का आप सबका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये एक्स अपान 2 1 2 होता है और ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन माइनस का साइन हमें लगाना होगा क्योंकि ऑलरेडी से हमारा माइनस होता है। इक्वल्स टू वाई अपान, यहाँ भी आपका माइनस होगा और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इक्वल्स टू 1 अपान -2 + 1। इसे और सॉल्व करते हैं कितना आएगा, एक्स अपान माइनस का 4 इक्वल्स टू वाई अपान माइनस का 2 इक्वल्स टू 1 अपान -1। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से निकल के आएगी एक्स इक्वल टू आएगा 4 प्लस का और वाई इक्वल टू आपका आ जाएगा 2। ये दोनों वैल्यू हो जाएंगी, एक्स इक्वल टू 4 वाई इक्वल टू 2, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या गिवेन है, रैखिक समीकरण को युग्म को भाज्य गुणनफल विधि द्वारा सॉल्व करना है, इसको भी हमें इसी मेथड से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपका पहला क्या गिवन है, फर्स्ट का एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन दी है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर दिया हुआ है तो हमें इनको राइट साइड में लाना पड़ेगा, सॉरी लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करना होगा, इसको हम इधर ले आते हैं, ये एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी, ये आपका इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेते हैं। अगली इक्वेशन ए एक्स माइनस बी वाई और माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन दोनों निकल के आ गई। अब दोनों इक्वेशन एक जगह पर हम नोट कर लेते हैं, पहली इक्वेशन नोट है, दूसरी इक्वेशन यहाँ पर कर लेते हैं, ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन में आपको क्या करना होगा, देखिए वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी सॉल्व किया है, एक्स ले लेंगे और एक्स के बाद में वाई का इसका कोफिशिएंट लिखेंगे, तो 1 माइनस बी, दोनों का हमें मल्टीप्लाई इसमें भी करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का ए प्लस बी और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई अपान, सिमिलरली इसमें भी वही काम करना है, वाई वाई टर्म को हटाना है, बाकी लिखना है ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर आएगा आपका 1 और 8। फिर y के बाद में अचर पद का टर्म लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो गया, a हो गया और फिर से 1 हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, ये आपका आएगा। अब दोनों को क्या करना होगा, x टर्म वाले को और y को, सबको सॉल्व करना है, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसमें हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा और माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी, दो ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू वाई अपान ए का मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी में, माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख दिया और माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल्स टू यहाँ पर वन अपान माइनस बी माइनस बी। अब और सॉल्व करते हैं इसे, तो एक्स अपान माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी और माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई अपान माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपान -a - b। फिर और सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा आपका,
माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आपका माइनस माइनस प्लस होगा ए स्क्वायर, एक्सक्यूज मी प्लस, और ये भी माइनस माइनस प्लस होगा, इज इक्वल्स टू वन अपॉन माइनस ए माइनस बी। अब क्या करना है, इसमें आपको माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ पर हो गया, तो एक्स अपान कितना बचा आपका माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये दो चीज़ें बची हैं, वाई अपान ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपान माइनस ए माइनस बी। अब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमें निकालना होगा, तो एक्स इज कर लो कितना आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी अपान माइनस ए माइनस बी। अब इसे और माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ भी हम माइनस ए माइनस कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी, ये आपका कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों ए बचेगा, यानी कि एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आपकी ए आएगी। अब वाई की वैल्यू हम इसी तरह से यहाँ पर निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा वाई की वैल्यू, वाई इक्वल टू आपका दोस्तों आएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान माइनस का ए प्लस बी। यहाँ पर हम बी कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी अपान ए प्लस बी, ए प्लस बी ए प्लस बी कट जाएगा तो माइनस का बी बचेगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का बी, यही आपके आंसर होंगे। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर ये गिवन है, एक्स अपान ए इक्वल्स टू वाई अपान बी, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो बी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई, इक्वेशन आपकी बन के आएगी बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकेंड इक्वेशन आपकी गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसे हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, तो एक्स वाले टर्म को छोड़कर हम उनके वेरिएबल वाई के वेरिएबल के जो गुणांक हैं उनको लिख लेंगे, तो माइनस ए और बी आ गया यहाँ पर, और यहाँ जो वैल्यू आएगी आपकी जीरो आएगी, और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनका हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, फिर इज इक्वल्स टू वाई वाले कोफिशिएंट को छोड़कर कितना आ जाएगा आपका जीरो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी हो गया यहाँ पर और ए हो गया, इसका हमें मल्टीप्लिकेशन कराना होगा, फिर वन अपान बी ए माइनस ए और प्लस का बी। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, देखिए कैसे करना है, एक्स अपान ये माइनस का है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस, वैसे इसका भी माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का ए और यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जीरो इज इक्वल्स टू वाई अपान, इसमें क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा और माइनस हो जाएगा माइनस बी, और इसका भी हम माइनस ले लेते हैं तो प्लस का हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपान बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो एक्स अपान एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये उधर चला जाएगा तो ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान
यहाँ भी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका ए। तो एक्स की वैल्यू कितना निकल के आ गया आपका, ए आ गया। अब इसी तरह से हमें वाई की वैल्यू निकालना है, तो वाई की वैल्यू भी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये आपका जीरो है यानी कि बी आपका बार हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा तो बी आ जाएगा। वाई की वैल्यू आपकी दोस्तों कितनी आ गई, बी आ गई, एक्सक्यूज मी, वाई की वैल्यू आपकी आ गई बी। तो एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी, ये आपके आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या गिवेन है, इसे भी हमें क्या करना है, वज्रगुणनफल विधि से इसको भी सॉल्व करना है। तो सिमिलरली हम इसे नोट कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो। और अगली क्वेश्चन आपकी दी हुई है बी एक्स प्लस ए वाई, ये बिल्कुल सेम जैसे मैंने ऊपर वाला जस्ट सेकेंड क्वेश्चन सॉर्ट आउट किया है वैसे ही इसको भी आपको करना है। यहाँ हमें क्या करना होगा, एक्स अपान एक्स का टर्म में छोड़ना है, बी हो गया ए हो गया माइनस सी माइनस वन माइनस सी, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, फिर इसके बाद में वाई अपान देखिए कितना हो जाएगा माइनस सी माइनस वन माइनस सी, और इसका मल्टीप्लाई हमें करना होगा क्या करना है ए और बी, ये नोट कर लिया मैंने, और वन अपान अब इसमें आपको ए हो गया बी हो गया फिर यहाँ बी हो गया और ए हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में क्रॉस होगा। अब क्या करना होगा, बीच में माइनस का साइन आएगा, तो एक्स अपान कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा बी माइनस का बी और वन प्लस सी, फिर आएगा माइनस माइनस प्लस तो ए सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ए सी आ जाएगा, इज इक्वल्स टू वाई अपान माइनस का बी सी माइनस ए, माइनस माइनस हम यहाँ प्लस कर लेते हैं तो यहाँ आपका आ जाएगा वन प्लस सी, इज इक्वल्स टू वन अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए क्या होता है, माइनस का बी सी प्लस का ए सी इज इक्वल्स टू वाई अपान माइनस का बी सी प्लस ए प्लस का ए सी इज इक्वल्स टू वन अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू पहले निकालते हैं, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आएगा, एक्स इक्वल टू आएगा आपका माइनस का बी और माइनस का बी सी प्लस ए सी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इतना भी आंसर लिख सकते हो, अगर ऐसा भी नहीं लिखना है तो माइनस का बी अपान इसको अलग अलग लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा माइनस का इसमें सी कॉमन आ जाएगा तो कितना वैल्यू आ जाएगा ए माइनस बी, और इस इक्वेशन में ए स्क्वायर ए प्लस बी इसको तोड़ देते हैं क्योंकि ये सर्वसमिका लिखी हुई है ए माइनस बी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू जो आएगा माइनस बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपका आएगा माइनस का सी अपान ए प्लस बी, ये आपका एक्स की वैल्यू होगा, वैल्यू भी आपको यहाँ पर क्या आएगी वाई इक्वल टू आपका आएगा माइनस का बी सी प्लस ए, एच में कॉमन ले लेते हैं नहीं, ए प्लस ए सी अपान कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में अगर देखा जाए तो बी कॉमन मिल रहा है, तो पहले इसको लिख लेते हैं ए अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर आपका आएगा यहाँ पर सी कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी अपान ए प्लस बी, और यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा तो वाई की वैल्यू जो निकल के आएगी आपकी ए अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का सी अपान ए प्लस बी, ये आपकी वाई की वैल्यू होगी। एक्स और वाई की वैल्यू दोनों निकल के आ गई हैं और यही आपके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवेन है एम एक्स माइनस एन वाई,
नोट कर लेते हैं, एम एक्स माइनस एन वाई माइनस इसको इधर ले आते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। और सेकेंड इक्वेशन आपकी गिवन है एक्स प्लस वाई माइनस टू एम, सेकेंड इक्वेशन। तो एक्स वाले टर्म को हमें निकालना है, तो क्या करना होगा, एक्स वाले टर्म को छोड़कर हम लिख लेते हैं माइनस एन और वन। फिर दूसरी वैल्यू है आपकी माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस टू एम, इनका हमें पहले इसके साथ में फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। वाई अपान माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस टू एम, एम हो गया और वन हो गया, इन इक्वल्स टू वन अपान एम वन, और यहाँ पर आपका आएगा माइनस का एन और वन। अब देखिए एक्स की वैल्यू हमें निकालना है पहले, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टू एम एन हो जाएगा, टू एम एन, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा आपका एम स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एन स्क्वायर हो जाएगा। इज इक्वल्स टू, इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है, तो वाई अपान ये आपका माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन अपान एम माइनस एन। अब यक्स की वैल्यू हमें निकालना है, तो यक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पर, ये देखिए क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एम एन, तो ये हो जाएगा एम प्लस एन का होल स्क्वायर या एन प्लस एम का होल स्क्वायर अपान एम माइनस एन, ये आपका आंसर होगा एक्स की वैल्यू। और वाई की वैल्यू में क्या होगा आपका, टू एम स्क्वायर माइनस, ये देखिए टू एम स्क्वायर है और टू एम स्क्वायर, फिर इसके बाद में माइनस का एम स्क्वायर है, फिर एन स्क्वायर है अपान एम माइनस एन। इसको और सॉल्व करते हैं तो वाई की वैल्यू आपकी निकल के आएगी, ये टू एम स्क्वायर में से एक माइनस हो जाएगा, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपान एम माइनस एन। इसको और सॉल्व करते हैं तो एम प्लस एन और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एम माइनस एन अपान एम माइनस एन, ये आपका इससे कैंसिल होगा तो आपका बचेगा एम प्लस एन। वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी एम प्लस एन, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू इसमें भी आपको निकल आई है, और इससे पहले जो भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं वो सारे के सारे बद्धकरणक्रम विधि से सॉल्व किए हैं। और ये जो लेक्चर है मेरा फ्रीस होता है, और जो भी बच्चे अभी तक जिसके भी माइंड में अगर कोई भी क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप शेयर करके ज़रूर बता सकते हैं, और इसके बाद में पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी अपडेशन हो या कोई भी वीडियो हमारा अपलोड हो तो आपको उसका लिंक मिल सके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।